अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। दोस्तों एनटीएस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों वो अपडेट जानने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के दिन आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो आइए अब हम बढ़ लेते अपडेट के ओर। ये अपडेट क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी तक हम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो उसके पेमेंट मेथड्स है आपको मालूम होगा हम किस जरिए कर रहे थे। देखिए सबसे पहले जब हम इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे थे तकरीबन कुछ महीने पहले, तो हमें वहाँ पर जो पेमेंट करना होता है वो हम अपने बैंक या अपने कार्ड से करते थे, लेकिन उस पेमेंट को हमारे एनपीएस के अकाउंट में पहुँचने में तकरीबन ट्रांजेक्शन से लेकर 3 वर्किंग डेज यानी कुल मिलाकर 4 दिन उसमें लगते थे। उसके बाद एक सर्कुलर आया डी रेमिटेंस, जिसे हम सिंपल में कहते हैं डी रिमिट। डी रिमिट के जरिए हम अपने अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे विद इन सेम डे, लेकिन वहाँ पर जो पेमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल रहती थी वो रहती थी नेफ्ट। वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन नेफ्ट अवेलेबल होती थी, लेकिन आज की जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, 10 तारीख को ये अपडेट हमें आई है एनपीएस की तरफ से कि आप सब्सक्राइबर इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे थ्रू आईएमपीएस इंस्टेंट। यानी अगर हम इस वक्त कंट्रीब्यूशन करेंगे तो सेम इसी वक्त हमारे एनपीएस, जिस भी आप अकाउंट में Tier 1 Tier 2 में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, उसी वक्त आपके उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हो सकता है कभी कभार टेक्निकल की इशू की वजह से अगर आपका वो पेमेंट उस दिन उसमें क्रेडिट ना हो पाएगा, तो नेक्स्ट दिन ज़रूर वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी अपडेट एनपीएस के रिलेटेड से। थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।